किसी के हिस्से में टट्टी किसी के पाद आया, मैं घर में सबसे कट्टर था। वाह वाह, मैं घर में सबसे कट्टर था, मेरे हिस्से में जिहाद आया कि हाथ उठाकर बुलाओ, शरण दो, बसा भी दो, लेकिन बसा भी दो, लेकिन आदतन हम उन्हीं हाथों को अक्सर काट देते। बहुत ही सुंदर आदत है। आदाब अर्ज है दोस्तों, मैं मुनव्वर खाना, और पिछले कुछ समय से मेरे कुछ बात कहने पे उसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया है, तो मैं अपना पोजीशन जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और इसमें चंद अशार होंगे, कुछ गज़लें होंगी, कुछ नज़में भी थी, लेकिन मैंने काट के उसको अलग कर दिया है, क्योंकि मारकाट अभी बहुत ज़्यादा मचा हुआ है, बाकी लोग काट ही रहे तो ठीक है। तो शुरू करते हैं, और इसका मैं कहूँगा कि आप लोग अंतिम गज़ल तक रुकें, अंतिम में जो एक लंबी गज़ल मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और शुरू करते हैं कि किसी के हिस्से में टट्टी किसी के पाद आया। वाह काना भाई वाह, पूरा शेर आप सुने पहले कि किसी के हिस्से में टट्टी किसी के पाद आया, मैं घर में सबसे कट्टर था। वाह वाह, मैं घर में सबसे कट्टर था, मेरे हिस्से में जिहाद आया। कलम तोड़ दिया काना भाई, अब बस पहली और अंतिम होनी चाहिए। दस्तरखान बिछ गया, बीफ खाने लगे फसादी। दस्तरखान बिछ गया, बीफ खाने लगे फसादी। दस्तरखान बिछ गया, बीफ खाने लगे फसादी। मैं सबसे मोटा था, मैं सबसे मोटा था, मेरे हिस्से सलाद आया। वाह, तभी तो फाइबर देख के पाचन क्रिया अच्छी है। 14 से ही परेशान था बहुत मैं। 14 मतलब 2014। 14 से ही परेशान था बहुत मैं, लौटा दिया अवार्ड। 14 से ही परेशान था बहुत मैं, लौटा दिया अवार्ड। 17 में लग गए जब योगी मोदी के बाद आया। जब योगी मोदी के बाद आया, मैं तो क्लोजेट जिहादी था, मैं तो कभी बोलता नहीं हूँ इन मुद्दों पे, मैं तो क्लोजेट जिहादी था, करता था शायरी। मैं तो क्लोजेट जिहादी था, करता था शायरी। मैं तो क्लोजेट जिहादी था, करता था शायरी। दुकान हुई जो बंद, तो बाहर मेरा उन्माद आया। बहुत बढ़िया काना भाई, बहुत बढ़िया। उन्माद जो है हिंदी का लफ्ज़ है, और मेरे बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अपनी शायरी में हिंदी और अवधी के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। खैर, अगला शेर देखें कि हमारे वैचारिक अब्बू इकबाल ने ही कर दी थी शुरुआत। अब वैचारिक अब्बू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इकबाल को तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा दर्जा दिया हुआ है पाकिस्तान में। तो हमारे वैचारिक अब्बू, और मैं जो एक एक शेर पढ़ रहा हूँ सैंडी भाई, उसके पीछे एक मुकम्मल कहानी है। हमारे वैचारिक अब्बू इकबाल ने ही कर दी थी शुरुआत, और क्या शुरुआत की थी कि शुरुआत ये की थी कि एक किताब लिखी गई थी हिंदुस्तान में, और लिखने वाले ने शाने रसूल में गुस्ताखी कर दी थी, तो उसको एक हमारा अपना बंदा था, उसने जो है हलाक कर दिया, उसे मार दिया। तो क्या काफ़ी दिन लगा ना। हाँ वो तो है, और इसी में इकबाल साहब जो थे वो जनाजे को कंधा दे रहे थे, तो हमारे वैचारिक अब्बू इकबाल ने ही कर दी थी शुरुआत, फ्रांस में गर्दन काटना तो बहुत 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 बाद आया। फ्रांस में गर्दन काटना तो बहुत 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 बाद आया। तो क्या हुआ, कुछ गर्दन काटे बस्तियां जला दी हमने। तो क्या हुआ, कुछ गर्दन काटे बस्तियां जला दी हमने। कौम सबसे पहले है, वाह काम सबसे पहले, ये देश वेश तो सबसे बाद आया। वाह वाह, देश वेश तो सबसे बाद आया। मन तो था बहुत कि पाकिस्तान में जा बसे। मन तो था बहुत कि पाकिस्तान में जा बसे। मोटा तो था पहले ही, ऐन वक्त पे जुलाब आया। अरे इतना फाइबर लेने के बाद भी ऐन वक्त पे जुलाब आया। राहत ने, मरहूम राहत साहब, अल्लाह उन्हें ऊपर में 5-स्टार सुइट जो है अता करे, उनके लिए रिजर्व रखे।
तो राहत भाई को याद करते हुए इस गज़ल का अंतिम शेर जो है पढ़ना चाहूँगा कि राहत ने चरस बोई थी बापे हिंदुस्तान वाली। वाह। राहत ने चरस बोई थी बापे हिंदुस्तान वाली, वही चरस बोने में मुनव्वरे बर्बाद आया। वाह कौन भाई, वाह 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 वाह। अब जो है अंतिम गज़ल तक आप लोग रुकिएगा, क्योंकि वो गज़ल नहीं एक पेंटिंग है। और उस अंतिम गज़ल से पहले मैं चंद अशार जो हैं कोई गज़ल के दो शेर पढ़ूंगा, कोई एक मक्ता और एक शेर पढ़ूंगा, और फिर जो है हम अपनी बात जो अंतिम गज़ल बहुत लंबी है उसमें 15-16 के लगभग अशार मैंने लिखे हैं। काफ़ी मेहनत की, मुझे 15-20 मिनट लग गए उसको लिखने में, तो उस पर हम नज़र इनायत आपकी चाहेंगे। ये जो दूसरी गज़ल है इसमें आप देखना कि मैं क्या क्या बोल जाऊँगा। पड़ी साइकिल को देखते ही पंचर साट देते हैं। पड़ी साइकिल को देखते ही पंचर साट देते हैं, खड़े काफिर को देखा तो हम गर्दन काट देते हैं। बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, ऊपर से ही कहा गया है कि काफिर जब शिर्क करते हैं ये लोग, और शिर्क करें तो वाजिबुल कत्ल होते हैं। तो पड़ी साइकिल को देखते ही पंचर साट देते हैं, खड़े काफिर को देखते ही गर्दन काट देते हैं। हाथ उठाकर बुलाओ, शरण दो, बसा भी दो हमको। हाथ उठाकर बुलाओ, शरण दो। सीरिया वाले हम लोग थे, बहुत जगह हमें तो सता, तो पूरी दुनिया में लोग रहे हैं, ईसाइयत और यहूदियत जो है इन्होंने हमें काफ़ी सताया है। तो उसी पे ये शेर हमने लिखा है कि हाथ उठाकर बुलाओ, शरण दो, बसा भी दो, लेकिन बसा भी दो, लेकिन आदतन हम उन्हीं हाथों को अक्सर काट देते हैं। बहुत ही सुंदर आदत भाई, बहुत ही सुंदर आदत है हमारी कि हाथ उठाकर बुलाओ, शरण दो, बसा भी दो, लेकिन आदतन आदतन हम उन्हीं हाथों को अक्सर काट देते हैं। कोई आइसिस बनाता है, कोई आइसिस बनाता है, कोई बनता है तालिबान। इंडियन मुजाहिदीन भी रहेगा बीच में। हाँ, कंटेक्चुअली आप डाल सकते हैं। कोई आइसिस बनाता है, कोई बनता है तालिबान। वो फटते हैं, वो फटते हैं, यहाँ हम नज्मों के पंचर साट देते हैं। वाह 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 वाह। इसमें देखिएगा कि इसमें साहित्य मैंने डाला है कि नज्मों की पंचर क्या होती है, कि उनका काम है कहीं पे फट जाना। अब फट जाएगा तो दुनिया में बहुत थू-थू होती है कि इस्लामी आतंक फैल रहा है, इस्लामी कट्टरपंथ फैल रहा है। तो हम शायरों की जो बात है वो ये है कि हम उन्हें बचाते हैं। बचाते कैसे हैं? क्योंकि वो जो है मजहब की राह में जो है आगे बढ़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, और हम क्या है कि हम वो खुद नहीं कर सकते, बम बांध के फट नहीं सकते। यूँ तो मैंने आज ही कह दिया कि उस तरह का कोई काम करेगा तो मैं भी जो है छुरा मार दूंगा किसी को। लेकिन जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो हमारा यही है कि उनके मजहबी आतंक के पहिए में जो हवा भरी हुई आतंक की, वो हवा लीक ना करे, इसलिए नज़मों के पंचर जो है साटनी बहुत ज़रूरी है। कि यही तो है हमारा एक तरीका इतने सालों का, ये अंतिम शेर है इस गज़ल का, कि यही तो है हमारा एक तरीका इतने सालों का, यही तो है हमारा एक तरीका इतने सालों का, गंगा जमनी के पीछे हम तो लाशें पाट देते हैं। ये सब अच्छा रहता है, गंगा जमनी ये सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और अगली जो गज़ल है उसके मैं मतलब दो ही शेर सुनाऊंगा, फिर उसके भी अगले दो ही शेर सुनाऊंगा, और ये सारी गज़लें जो मैंने माँ के ऊपर लिखी थी तो उसी से प्रेरित हैं। अम्मी जान का प्यार। मेरे हाथों में पेट्रोल बम हथियारों को वो देती है। मेरे हाथों में पेट्रोल बम हथियारों को वो देती है। पुलिस जब मुझे पकड़ के ले जाती है तो अम्मी गुस्से में रो देती है। कड़ा भाई, वाह। पुलिस ले जाती है तो अम्मी गुस्से में रो देती है। वो कहती है कि मशालों के तेल चेक कर लूँ मैं। तेल चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप
मसाल से सिर्फ ऐसे आग नहीं लगाते, कभी कभी फेंक के भी मारते हैं, तो उसमें हाँ तो उसमें अगर तेल रहता है तो फैलता है, और सीलन वाली जगह पे भी या कुछ गीला भी हो वो भी जल जाए। तो मसालों को वो कहती है कि चेक कर लूँ मैं, वो कहती है कि मसालों के तेल चेक कर लूँ मैं, नमारा एक भी काफिर तो अम्मी चरस वो देती, अरे रे रे रे। मेरे हाथों में पेट्रोल बम हथियारों को वो देती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है तो अम्मी गुस्से में रो देती है, वो कहती है कि मसालों के तेल चेक कर लूँ मैं, न मारूँ एक भी काफिर तो अम्मी चरस वो देती है। और अगली गजल अगली गजल आप देखें कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, मैं काफिर मारूं न मारूं अम्मी खफा नहीं होती। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, मैं काफिर मारूं न मारूं अम्मी खफा नहीं होती, मैं मोटा हूं खिलाती है वो मुझको बीफ की बोटी, मैं मोटा हूं खिलाती है मुझको बीफ की बोटी। हर एक बच्चे से अम्मियों को तो प्यार होता ही है। मैं मोटा हूँ खिलाती है वो मुझको बीफ की बोटी, बनाते देखती है मुझको बम दफा नहीं होती। वैसे आप देखेंगे कि और कौमों की औरतों में ये बात नहीं है। अब चंद अशार देखें जो इंडिपेंडेंट शेर हैं, स्वतंत्र हैं अपने आप में, उनका मतलब वो गज़ल में जो राइमिंग होती है हर शेर के बाद तो वो इसमें नहीं है, वो इंडिपेंडेंट शेर हैं। कि लगे थे पोस्टर, पोस्टर लगे थे, लगे थे पोस्टर जब मेरे लखनऊ के बाजारों में, बाबा जी का अत्याचार। हाँ, उस आदमी का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, खैर। लगे थे पोस्टर मेरे जब लखनऊ के बाजारों में, मुद्दतों से अम्मी ने बदला नहीं वॉलपेपर अपना। वाह, आहा, उन्होंने रखी है। हाँ, मोबाइल रखती, स्मार्टफोन गुनाह है ना, वो रखती हैं वो, हम लोग जो है स्मार्टफोन में सिर्फ फोटो देखती हैं और इस तरह के ऐसा। हाँ, और अगला है कि ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, अरे रे, ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, कुर्ता भी काला हो गया भाई ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, जिहादी ने पेट्रोल बम फेंका शहर में उजाला हो गया, जिहादी ने पेट्रोल बम फेंका शहर में उजाला हो गया। जरूरत की सारी बातें वो बच्चों को सिखाती है, जरूरत की सारी बातें वो बच्चों को सिखाती है, हाथ ही में ना बम फूट जाए, हाथ ही में ही बम न फूटे वो अक्सर याद दिलाती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं शायर से फसादी हो जाऊं। आप लोगों को लगेगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं, अगली लाइन आप सुनेंगे तो आप भी मेरे फैन हो जाएंगे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं शायर से फसादी हो जाऊं, सुसाइड वेस्ट से ऐसे लिपटू कि जिहादी हो जाऊं। लेकिन फिर ऐसी शायरी कहां आएगी, विचार नहीं मरते हैं, कोई और काना कोई डेर शाना इसी तरह से आता रहेगा। घेर लेने को जब भी बलाएं आ गई, घेर लेने को जब भी बलाएं आ गई, आतंकियों को बचाने मेरी शायरी आ गई। और सोच हमेशा जिंदा। हाँ, ये तो है। और अगला है कि, और ये मैं यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि उनको याद रहे कि कभी भी बीच दंगे हार कर खुलकर नहीं रोना, कभी भी बीच दंगे हार कर खुलकर नहीं रोना, जहाँ जलती मशाले हों नमी अच्छी नहीं होती। तो साहित्य है, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो मसाल जो है बुझ जाएगा। और अंतिम गज़ल है, और ये गज़ल नहीं पेंटिंग है, और ये मैंने तब पढ़ी जब मुझे लगा कि फांसीवाद आ गया है, आपातकाल आ गया है, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं हो ही रही हैं, सबको पता है, तो तब मैंने पढ़ी थी। और इसमें बात यह है कि पुलिस हमें दंगा करने से रोक लेती है, कहीं हमने आधी बस्ती जलाई तो उसमें रोक लिया, कहीं हम विरोध करने गए तो पानी पार्कों में बहा दिया जाता है। उसी में जो है ये सारी जो शायरियाँ अशार जिसको उर्दू में प्लूरल में बोलते हैं वो मैं कहने जा रहा हूँ, एक एक
शायरी में कहानी है एक छुपी हुई, तुमने जो भी बम पकड़ा, तुमने जो भी बम पकड़ा 10 गुना फोड़ आए, तुमने 4-5 पकड़ा तो मैं जो है 50वां फोड़ के आया हूँ, ठीक है। तुमने जो भी बम पकड़ा 10 गुना फोड़ आए हैं, फंसा दी हैं, मगर हम एक दुनिया छोड़ आए। दुनिया कौन सी ठिकाना भाई हो? परिवार है, लोग हैं, तो उनको छोड़ के अभी तो मैं जेल में चल रहा हूँ। तुमने जो भी बम पकड़ा 10 गुना फोड़ आए हैं, फंसा दी हैं, लेकिन एक दुनिया छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि दिल्ली में कुछ जिंदा लाशें छोड़ आए। वाह वाह वाह। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि दिल्ली में कुछ जिंदा लाशें छोड़ आए हैं। उंगलियां इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, उंगलियां इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि कुछ काफिर घरों को बिन जलाए छोड़ आए। तो वो याद आती है ना कि आप जब फेंक सकते थे पेट्रोल बम और आप जो है जला नहीं सके, और देखना इसमें कि एक एक कहानियां जो है आपको कैसे दिखेंगी। एक एक शेर में कफी फैसल की छत से देखते थे जलते राजधानी को, फैसल फारूक की एक छत है, बिल्डिंग है, जिसको लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया गया था जहाज उड़ाने के लिए, नहीं बगल की बिल्डिंग को आग लगाने के लिए और हिंदुओं को काफिरों को मारने के लिए। कि कफी फैसल की छत से देखते थे जलते राजधानी को, बड़ी मजबूरियों में हम ये नज़ारा छोड़ा है, बड़ी मजबूरियों में ये नज़ारा छोड़ आए हैं। तभी आपकी आँख का पानी सूख गया है कणा भाई। आँख और जहाँ जहाँ पानी होता है सब सूख चुका है मेरा तो। महीनों तक सफूरा ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, महीनों तक सफूरा ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छतों पे हम कुछ ईंटें छोड़ आए हैं। फिर दंगा करेंगे का? तो चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है, काफी जिंदा रहेगा तब तक करेंगे। वो बैठक हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वो बैठक हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वो बैठक हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वहीं तो प्लानिंग दंगा की बातें छोड़ आए। वो बैठक हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वहीं तो प्लानिंग दंगा की बातें छोड़ आए हैं। जो एक पतली सड़क मौजपुर से चांद बाग जाती है, वो जो एक पतली सड़क मौजपुर से चांद बाग जाती है, वहीं ह्यूमन चेन के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए। बेंगलोर वाला? हाँ, वही ह्यूमन चैन के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। वो दिल्ली के जले घरों का खामोशी से मुंह तकना, वो दिल्ली के जले घरों का खामोशी से मुंह तकना, शाहीन जामिया हम तुमको अकेला छोड़ आए। अरे वाह वाह। वो दिल्ली के जले घरों का खामोशी से मुंह तकना, ए शाहीन जामिया तुमको अकेला छोड़ आए हैं। गले मिलते हुए हिंदू, गले मिलते हुए क्रिश्चन, गले मिलते हुए हिंदू, गले मिलते हुए क्रिश्चन, जले दिलवर के राखों का नजारा छोड़ आए। वाह वाह। दिलवर ने कितना हाथ काटा, पैर काटा, फिर जलती आग में फेंक दिया था। तो गले मिलते हुए हिंदू, गले मिलते हुए क्रिश्चन, जले दिलवर के राखों का नजारा छोड़ आए हैं। कल एक PFI वाले से कहना पड़ गया हमको, PFI वालों ने कथित तौर पे 100 करोड़ रुपया जो है दिल्ली के दंगों के लिए लगाया था। तो कल एक PFI वालों से कहना पड़ गया हमको, तुमने जो काम सौंपा था अधूरा छोड़ा है। पैसा वापस ले लेंगे। तुमने जो काम सौंपा था अधूरा छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला, वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला, जलाना है हमें भारत वो सारा छोड़ आए हैं। पैसा स्विस बैंक में रखे हैं, मौका जब मिलेगा तो जलाएंगे, पूरा भारत जलाएंगे, तो
टेंशन नहीं लेना का कि आधा काम जो है ठीक है। तो वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला जलाना है हमें भारत, वो सारा छोड़ आए हैं, अभी हम सोच में गुम थे, अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए, अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए। वो ताहिर और फैसल था हमारा छोड़ आए, वो ताहिर और फैसल था हमारा छोड़ आए हैं, उधर का कोई मिल जाए तो उससे हम यही पूछें। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों की बात कर रहा हूँ मैं, कि उधर का कोई मिल जाए तो उससे हम यही पूछें कि बम हम छोड़ आए हैं या धमाका छोड़ आए हैं, तो हमसे काफिर, ए काफिर, तो हमसे काफिर इतनी बेरुखी से बात करता है, तो हमसे काफिर इतनी बेरुखी से बात करता है, तुम जैसों को तो छुरा मार नाले में मरता छोड़ आए हैं, तो हमसे काफिर बेरुखी से बात करता है, तुम जैसों को छुरा मार के नाले में मरता छोड़ आए हैं। ये दो कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, ये दो कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां हम ताहिर फैजल की बिल्डिंग छोड़ आए, वहां हम ताहिर फैजल की बिल्डिंग छोड़ आए हैं। बहाया था लहू पूरी प्लानिंग के साथ हमने तो, बहाया था लहू पूरी प्लानिंग के साथ हमने तो, बहाया था लहू पूरी प्लानिंग के साथ हमने तो, वो जो माचिस खरीदा था वो जलता छोड़ आए हैं, वो जलता छोड़ आए हैं। बहुत कम दाम में अहमद ने जो एसिड खरीदा था, बहुत कम दाम में अहमद ने जो एसिड खरीदा था बगल वाली फैक्ट्री से, हाँ बहुत कम दाम में अहमद ने जो एसिड खरीदा था, उसे 10 दाम देकर बिना फेंके वहीं पर छोड़ आए। हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे हमको तो, हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, और क्यों हंसी आती है वो अगली लाइन में मैं बताऊंगा आपको, कि हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, बने फिरते हैं पीएचडी धमाका छोड़ आए। हंसी आती है, हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, पीएचडी लेके फिरते हैं धमाका छोड़ आए हैं। वहाँ समय बहुत कम था, तमन्नाएं ज़्यादा थी, वहाँ समय तो बहुत कम था, तमन्नाएं ज़्यादा थी, पुलिस को देखकर आधे जले घर छोड़ आए। क्या करते, भागना पड़ता, आपकी वर्दी का डर, किसी की आरजू के पाँव में जंजीर डाली थी। देखिए एक जौ में नुक्ता है, दूसरे में नहीं है। किसी की आरजू में, आरजू में, किसी की आरजू के पाँव में जंजीर डाली थी, किसी काफिर के गर्दन में वो फंदा छोड़ आए हैं, किसी काफिर के गर्दन में वो फंदा छोड़ आए हैं। हमें डिफेंड करते करते शर्मा गए होंगे, हमें डिफेंड करते करते तो शर्मा गई होंगी, हमें डिफेंड करते करते तो शर्मा गई होंगी, वो लिबरल जिनकी आंखें टीवियों पर छोड़ आए हैं। कितना डिफेंड करेंगे, बहुत दुखी होंगे। वो खत जिस पर तेरे होठों ने नाम लिखा था, वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, वो खत जिस पर तेरे होठों ने अपना नाम लिखा था, लव जिहादों के चद्दर पर बिछा कर छोड़ा, लव जिहादों के चद्दर पर बिछा कर छोड़ आए हैं। गए वक्तों के एल्बम देखने बैठे तो याद आया, गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, ये मोहनपुरी बचा कैसे वो नक्शे छोड़ आए, भुला ही गए थे नक्शे, ये मोहनपुरी बचा कैसे वो नक्शे छोड़ आए हैं यहाँ आते हुए। और ये अंतिम शेर है, ये अंतिम शेर है इस गजल का, कि यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए,
यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए, वहाँ से लूट के जो लाना था काफिरों के घरों से। यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए मगर शिव विहार की मूर्ति को साबुत छोड़ आए। इसका मलाल जो है हमेशा रहेगा। यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए मगर शिव विहार के मंदिर की मूर्ति साबुत छोड़ आए हैं। और अंत में ये गज़ल तो मुकम्मल हो गई, अंत में एक मेरा बहुचर्चित शेर है जो इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। एक आंसू भी सियासत के लिए खतरा है। जमहूरियत पे बोल रहे हैं क्या? हाँ, एक आंसू भी सियासत के लिए खतरा है। सियासत जो है उर्दू का लफ्ज है और राजनीति के लिए बोला जाता है उर्दू में। एक आंसू भी सियासत के लिए खतरा है, तुमने देखा ही नहीं पिछवाड़े का चबूतरा होना। जेल में आधा वर्ष